बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुंगेर के एक सरकारी स्कूल का जायजा लेने जिला अधिकारी पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल पूछा। बच्चों की तो बात दूर, वहां के शिक्षक भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ग्रह क्या होता है, सूर्य ग्रह है या नहीं, वहां के कोई भी मास्टर साहब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बच्चों को आपने नहीं बताया ग्रह? ग्रह किसको कहते हैं? बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं, क्या सूर्य ग्रह है या ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य ग्रह है। बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं, आप बताइए मर्सी इधर आइए, ग्रह किसको कहते हैं? और टीचर लोगों को बुलाओ जरा, और टीचर बताइए ग्रह किसको कहते हैं, बताइए क्या क्वालिफिकेशन है आपका, किस सब्जेक्ट से? मैथ से। आए क्यों कहते हैं आप, तो नया अपॉइंटमेंट आता, आप तो तेज है, बताइए ग्रह किसको कहते हैं? ग्रह नौ तरह का होता है। अरे यार भाषा के पहले पूछ रहे हैं ग्रह किसको, बच्चे कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं ग्रह है, ग्रह किसको कहते हैं बताइए, ग्रह किसको कहते हैं, हम आपसे बार बार तीनों को जानते हैं ग्रह किसको कहते हैं। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए राज्य सरकार सैकड़ों हजार करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। बावजूद इसके सूबे के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। इसका ताजा उदाहरण मुंगेर में देखने को मिला। डीएम ने मध्य विद्यालय बेनेगीर, उर्दू प्राथमिक विद्यालय चकासिम और उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर में शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से चंद सवाल पूछ लिए, जिसके बाद सूबे में शिक्षा के स्तर की कलाई खुल गई। आप किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, किस जिला में रहते हैं, इन सवालों का जवाब चौथी और पांचवी के छात्र नहीं दे पाए। अपना राज्य कहाँ है, अपना राज्य कहाँ है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में कहाँ है, बताओ तुम बताओ। बिहार किधर है, भारत में बिहार किधर है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में किधर है, बताओ। उत्तर किधर है, नक्शे में बताओ उत्तर किधर है, इस नक्शे में बताओ उत्तर किधर है, उत्तर। और पश्चिम इधर, आप बताइए, आप बताइए बताइए। बिहार जानती है, बिहार को क्या है, बिहार हमारा देश है, बिहार और भारत हमारा राज्य है, भारत राज्य है। इधर भारत हमारा राज्य है जी, नहीं सर देश है, बिहार में हमारा देश। आप बताइए, आप बताइए, हेलो इधर आइए। ये किस चीज का नक्शा है, ये नक्शा किस चीज का है? विडंबना तो तब हो गई जब डीएम ने सबके सामने गणित से एमएससी किए शिक्षक से गणित का सवाल पूछ लिया, लेकिन शिक्षक चौक लेकर खड़े रह गए, दूसरों का मुंह ताकते रह गए, पर गणित का साधारण सा सवाल सॉल्व नहीं हो सका, जिसके बाद खुद डीएम ने चौक उठा लिया और गणित के उस सवाल को हल किया। ये वाला क्लास में पढ़ाई हुआ है, ये वाला बना के जिला अधिकारी अचंभा तो तब हुए जब वहां पढ़ा रहे शिक्षकों से कुछ पूछ बैठे और उसका जवाब कोई शिक्षक नहीं दे पाए। यहां तक कि उर्दू स्कूल में पांचवी क्लास के बच्चे उर्दू में अपना नाम तक नहीं लिख पाए। तो उर्दू में जो टास्क मिला नाम लिखने, आप नहीं लिख सके हैं,
डीएम आपसे क्या क्या पूछे? आज डीएम आपसे मिलने आए तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा और आप लोग मुझे देख भी सकते और से बात भी कर सकते हैं। यह देखकर वहां मौजूद शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई। सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति देख डीएम ने कार्रवाई की बात कही, वहां के शिक्षकों को फटकार लगाया। अभी भी जो अपेक्षित सुधार होनी चाहिए थी स्कूलों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, वो नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूलों में तो बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल है जहां नहीं हो पा रहा है। तो अब इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है। और जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ज्ञानवर्धन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। आज हमने देखा कि एक टीचर ने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया है, तो उन पर हमने कार्रवाई के लिए डीओ को बोला है। और जो यहाँ पे मध्य विद्यालय और हाई स्कूल है उसके बच्चे चले गए हैं, तो प्रधानाचार्य को हमने कहा है कि जो रूम्स हैं उसको प्रॉपर खुलवा के और उसमें वर्ग कक्षा को ढंग से लगवा के और फिर इनका जो निरीक्षण है 10 दिनों के अंदर निरीक्षण किया जाएगा। और यदि बेहतर व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पाएंगे, तो इनको निश्चित रूप से अन्य जो कार्रवाई होती है नियमानुकूल कार्रवाई इनपे की जाएगी। रूम में था ऑर्डर लगा हुआ सर, जो रूम आवंटन है सर इसी को लगाते हुए लगाए थे, जिसमें बल्ब को खोल लिया, जैसे सब सामान ऐसा रखते हैं, फिर ढो के सब रखते हैं क्योंकि वो छोटा था। जी जोर बचाओ गुना भाग आता है। अरे पानी को कैसे नापते बताओ? पानी को जैसे 1 लीटर का जग हुआ तो उसे नापते हैं, पानी से लंबाई को एक किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? आपको कम मिला।